सिर्फ चैनल शुरू कर देना, पढ़ाई छोड़ देना, ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। एक लोकल कहावत है कि मोर नाचा जंगल में, किसने देखा उसको। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों ने कोशिश की है और करोड़ों रुपए ऑफर भी किए हैं। सरकारी नौकरी में आप जितना कमाते हो उतनी सैलरी हम कई सारे एजुकेटर्स को देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सिटी के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद, और आज का जो हम वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 2018 में अपनी जर्नी शुरू करी और जीरो से हीरो तक वो कैसे पहुँचे, और जानेंगे उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में कि कैसे सर आपकी यूट्यूब जर्नी रही, कैसे आपने चीज़ें स्टार्ट करी और आज वो किस मुकाम पर है। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं स्काई एजुकेयर के ओनर एच के कटारिया सर से। सर, मीटिंग सिटिंग चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मीटिंग सिटिंग के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो चलिए साथियों, सर से अपन मुलाकात करें, उससे पहले अपन सर का स्टूडियो विजिट कर लेते हैं कि सर ने किस तरह अपना स्टूडियो सेटअप कर रखा है। आइए, ये देखिए साथियों, ये है सर का स्टूडियो जहाँ पे सर आपके लिए ऑनलाइन क्लासें तैयार करते हैं, आपके लिए लाइव क्लासें लेके आते हैं। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए, ये पैनल है जहाँ से सर आपको क्लासें व्लासें आपकी होती है, सब चीज़ें होती है, और ये पूरा सेटअप है। जो भी साथी सर से कुछ जानना चाहते हैं, सर से कमेंट करते हैं, कुछ सर से सवाल जानते हैं, तो सामने भी पैनल लगा हुआ जिसपे सर देख पाते हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, और लाइव क्लास के दौरान वो सर उनको जवाब दे पाते हैं। और सर आप बताइए स्टूडियो के बारे में। बिल्कुल सर, ये जैसे कि आज के समय की मांग है, ये अपना डिजिटल पैनल है। सभी स्टूडेंट्स को आजकल क्या डिजिटल पैनल्स हैं, पढ़ने में मजा आता है और टीचर्स को पढ़ाने में भी मजा आता है। इसका कारण यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इस पर डायरेक्ट दिखा सकते हैं। परंपरागत बोर्ड पर क्या पूरा लिखना पड़ता है, उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, इसमें सारे फीचर्स होते हैं, एक बोर्ड पे जो फीचर होते हैं ना, सारा लिखना मिटाना सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। तो ये समय की मांग है, तेज गति से चलने के लिए अपने को इस प्रकार के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम सर से जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए आप। तो मेरा नाम एस के कटारिया है, और सर मेरे पास जिस वजह से बैठे हैं वो है स्काई एजुकेयर, जिसकी शुरुआत मैंने काफ़ी दिनों पहले की थी, करीब 5 साल 5.5 साल हो रहे हैं। 18 में मैंने शुरुआत की थी स्टार्टिंग में, और तब से लेकर के मैं लगातार यूट्यूब पर अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो YouTube पे सभी मेरे को एस के कटारिया नाम से जानते हैं, वैसे मेरा नाम सुनील है। तो सर अपनी YouTube जर्नी की शुरुआत कैसे हुई वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर YouTube जर्नी की शुरुआत हुई थी 2018 में जी, जब मैं एक स्टूडेंट था, और उस टाइम पे मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे कुछ चीज़ों में पढ़ने में समस्या आ रही थी। अब आप सेल्फ स्टडी जब कर रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक से आप जूझते हैं, वहाँ पे आपको ये महसूस होता है कि यार यहाँ पे शिक्षक होते और मैं उनसे पढ़ता तो बेहतर मैं लर्न कर पाता, अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो। हाँ, तो उनके लिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वो टॉपिक्स, तो मुझे वहाँ पर कुछ लेक्चर्स मिले, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि इंटरनेट से बहुत कुछ हो सकता है। और फिर मैंने भी सोचा कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोचिंग क्लासेस में बड़ी बड़ी फीस अमाउंट्स नहीं दे सकते, तो मुझे जो सब्जेक्ट आते हैं क्यों ना मैं भी वो यूट्यूब पर दूँ। और वो जब मैंने शुरू किया, मैंने कुछ लेक्चर्स टीचिंग मेथड्स के दिए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और उसी की वजह से आज मैं आपसे ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जी जी सर, बहुत बढ़िया। तो सर अपनी इस YouTube जर्नी में जो आपने कदम रखा है, जो आपने शुरुआत करी है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य सीधा सा ही है, कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई काम तो करेगा जी, उसके पीछे का उसका सीधा सा उद्देश्य होता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, 2 रुपये कमाऊँ, उससे अपना परिवार भी चले, उससे हम एक अच्छा जीवन जी सकें। ये अपना एक निजी उद्देश्य है, लेकिन इसके अलावा एक और उद्देश्य व्यक्ति को लेना ही पड़ेगा कि जीवन में हमें समाज को क्या देना है, राष्ट्र को क्या देना है। तो मैंने दोनों उद्देश्य उस समय ये तय किए कि मैं ऐसा काम करूँगा, जब YouTube चल पड़ा तो मैंने YouTube से ये डिसीजन लिया कि मैं ऐसा काम करूँगा कि YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, उससे जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा सकते वो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक उन्हें कहीं और से नहीं मिल रहे, जो सब्जेक्ट मुझे आते हैं तो वो मैं पढ़ा सकूं। तो मेरा उद्देश्य यही तय हो गया कि YouTube पे हम पढ़ाएंगे, और जो भी छात्रों को नहीं मिल पा रहा और हम उसमें क्या दे सकते हैं वो हम देंगे, तो उससे छात्र जो हैं वो भी पढ़ सकेंगे और हम अपना कार्य इसी में आगे भी बढ़ा पाएंगे। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई, समाज और राष्ट्र के लिए अपन क्या दे सकते हैं। देखो, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके इरादे नेक है ना, तो आपको बड़े सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो सर अपन एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे जी, क्योंकि खास तौर से जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, वो चाहे ही सी जो भी हो,
तो उनको ये जरूर देखने को मिलता है, ऑब्जेक्शन घर वालों के ऑब्जेक्शन होते हैं कि आप कर क्या रहे हो, खासतौर से आपको आए होंगे क्योंकि आप तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे और फिर आपने सरकारी नौकरी का इरादा छोड़ के आप यूट्यूब पे आने लगे तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया होगा कि आप कर क्या रहे हो, तो ऑब्जेक्शन क्या रहे, जिससे कि हमारे साथियों को पता चले भाई यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए ऑब्जेक्शन ये है, आज से 5 साल पहले की बात करें, अभी तो थोड़े ऑब्जेक्शन हर परिवार के कम हो गए क्योंकि नॉलेज इंटरनेट का जो पोटेंशियल है वो लोगों को समझ में आ रहा है जी। लेकिन आज से 5 साल पहले जब मेरी शुरुआत थी उस समय गांव में ढाणियों में दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट का पोटेंशियल लोगों को पता नहीं था। उनको लगता था कि उनका लड़का या लड़की जो भी है वो मोबाइल में या लैपटॉप में ही लगे रहते हैं, वहाँ पर वो कर क्या रहे हैं सारे दिन, वो जानते नहीं थे इसलिए वो रोकने की कोशिश करेंगे, उनमें उनका भी दोष नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो झेलनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, छुप के या कहीं दूसरी जगह जाके फिर अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जब उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो फिर ऑब्जेक्शन कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने भी फेस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथ ही ऑब्जेक्शन आएंगे, सिद्ध कीजिए अपने आप को, फिर ऑब्जेक्शन कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सर आप यूट्यूब के साथ साथ और क्या करते हैं? सर मैं YouTube के साथ साथ सिर्फ YouTube और YouTube ही करता हूँ। तो सर फुल फोकस सर का YouTube है, मतलब पूरा डेडिकेशन सर आपके लिए रखते हैं कि कितना अपन ज़्यादा लोगों को दे पाएं। और सर लगे आता आप ये भी बता दीजिए कि अपने YouTube चैनल कितने और किस नाम से हैं, ताकि हमारे दर्शक जब आपको देखें तो उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। वैसे साथ ही मैं आपको बता दूँगी सर के जितने भी YouTube चैनल है उनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा पूरा विवरण, तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, बाकी सर भी आपको बताएंगे। सर पहला चैनल तो स्काई एजुकेरी है अपना जी, जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी 2018 में और करीब 7 लाख का परिवार अपना स्काई एजुकेर पर है। उसके बाद में मैंने दूसरा जो चैनल शुरू किया वो गुरु नीति नाम से है, और एक और चैनल है मेरा मिशन अंतरिक्ष, ये मैंने लेटेस्ट ही शुरू किया था चंद्रयान जब उड़ान भर रहा था उसके आसपास जी, तो उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मैंने एक ही दिन में उसमें 55,000 सब्सक्राइबर पूरे किए थे, बहुत बड़ा परिवार होता है। हाँ, इसके अलावा मेरे कई सारे चैनल हैं लेकिन वो छोटे छोटे चैनल हैं, वहाँ पे अभी शुरुआत कर रहे हैं, जब वो बड़े होंगे तो आप सभी को पता लग जाएगा। तो साथियों सर के 3 चैनल सर ने आपको नाम बता ही दिया और 8 लाख अप्रोक्स लगभग हम बात करें 8 लाख लोगों का परिवार इनका है। बिल्कुल। परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर के साथ जुड़े हुए हैं और सर के एजुकेशन का वो फायदा उठा रहे हैं। अपन सर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप जानने वाले हैं, और ये सवाल है हर एक, अपन बात करें पेरेंट्स का भी है, हर एक स्टूडेंट का भी है, और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सवाल को जानने में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। सर आप ये बताइए, अभी आप जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और उससे पहले बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं गार्जियन को ये थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है, तो इसमें आपका क्या विचार है? सर ये है कि दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। अगर कोई स्टूडेंट आज तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया तो उसको ऑफलाइन में भी जाना ज़रूर चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसके बाद में वो अपने आप ही ऑनलाइन की तरफ दौड़ेगा। अभी हमारे ऑफलाइन जो बैच चलते हैं उसमें छात्र 15-20 दिन 1 महीने आते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं कि सर हम ये सेम ही तो क्लास वहाँ रही है, ऐसे कैसे ही वहाँ दिख रहे हैं सब कुछ, तो मैं तो ऑनलाइन ही ले लूँगा। सही बात है। तो ऑनलाइन के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं सर, और वो ये हैं कि आपको कम फीस पे करनी पड़ेगी जी। इसके अलावा आपको घर से दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी सुबह शाम दोनों समय, आपको किसी दूसरे शहर में कोचिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा जी। अगर हम जोड़ें तो लगभग किसी एक कोचिंग के लिए 6 महीने के लिए आप कम से कम 1 लाख रुपए लेके आपको निकलना पड़ेगा जी, वो बचत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका समय बहुत बच जाता है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका समय जो है वो मैनेज हो जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने के लिए निकाले, पढ़ाई कर सके। कोई स्टूडेंट की बैठने की आदत नहीं है, वो ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकता, तो वो ऑफलाइन में जाकर के अपनी सीटिंग पावर को बढ़ा सकता है जी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सही अर्थों में पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन मायने नहीं रखता जी, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। एक बंद कमरे में आप पढ़ के एक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बस कुछ लेक्चर्स में या कहीं आपको दिक्कत आएगी तो वो आप आजकल YouTube पे सर्च कर लो, वो सब कुछ मिल जाएगा, पेड कोर्स की तरफ भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सर खुद अपने ऑनलाइन कोर्सेज सर के हैं, तो सर यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कीजिए, सर कह रहे हैं कि YouTube पे सब कुछ है, आप वहाँ से सर्च करके वहाँ से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और सर ने दोनों पक्ष रखे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन अपनी जगह बेस्ट है, ऑफलाइन अपनी जगह बेस्ट है, और सबके फायदे और नुकसान दोनों तरफ हैं। बिल्कुल। लेकिन आप किस और आपका ध्यान होता है वो आपको मिल जाएगा। तो सर आप अभी हमारे साथियों को बताइए कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं?
सर मैं स्काई एजुकेयर का मैंने अभी ऐप बनाया हुआ है। जी वो ऐप मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं किए जा सकते। छात्रों की ये डिमांड थी कि सर आप एक काम कीजिए, हमारे लिए टीचर्स की पूरी टीम लाइए और हम उसके लिए आपको जो भी टीचर्स की टीम का जो भी खर्चा लगेगा वो हम नाम मात्र की शुल्क आपको देंगे, तो आप हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करवाइए, क्योंकि एक अकेला टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, सब में एक्सपर्टीज भी नहीं होती उसकी। तो हमने अपने मोबाइल ऐप में पिछले 2 साल से, करीब 2-2.5 साल से हम बहुत सारे कोर्सेज दे रहे हैं जिनकी मदद से बहुत सारे छात्र भी सिलेक्ट हुए हैं। उसमें हम RPSC में मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के सारे कोर्सेज हम दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट उसमें लगभग हैं। इसके अलावा RPSC के अलावा हम UPPSC और MPPSC के कोर्सेज भी दे रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के, जैसे रीट वगैरह हो गया, सुपर टेट, ये सारे सब्जेक्ट हम दे रहे हैं। इसके अलावा अभी एक रिसेंट भर्ती आई है, इसका कोर्स भी हमने शुरू किया है, पशु परिचर भर्ती, अभी रिसेंट ये भर्ती चल रही है। तो ऑलमोस्ट हम ये सारे एग्जाम कवर कर रहे हैं। देखो साथियों, मैं जो सवाल सर से कर रहा हूँ वो सवाल आपके हैं, लेकिन मैं सर से बात करूँ और ये इंटरेस्टिंग सवाल है। सर आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो आज ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या अपने विषय में एक्सपर्ट हैं वो जी, तो जब उनसे बात करी जाती है कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए, तो मैं यूँ कहूँ आपसे कि वो ऑनलाइन आने से डरते हैं, उन एजुकेटर के लिए, उन टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एजुकेटर ऑफलाइन में बहुत अच्छा जिनका चल रहा है वो फिलहाल नहीं सोच रहे ऑनलाइन की, या फिर उनके मस्तिष्क में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि ऑनलाइन जाऊँ। लेकिन आज से 4-5 साल पहले उनके माइंड में ये था कि ऑनलाइन तो मतलब बेकार चीज़ है, ऑनलाइन नहीं जाएंगे। अब आपका प्रश्न था कि उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो मंच है और ग्लोबल है, बिल्कुल आना चाहिए और बहुत सारे इसके लाभ हैं भाई। किसी भी चीज़ का स्वाद आप नहीं चखोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा, और जिन्होंने स्वाद चखा है वही इसके बारे में बता सकता है कि इसका क्या स्वाद है। जी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफलाइन बेस्ट है, लेकिन ऑनलाइन उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप अपनी पहुँच को नेशनल बना पाओगे, आप एक कोचिंग विशेष या स्कूल विशेष के टीचर नहीं हो, आप पूरे देश के टीचर भी बन सकते हो। आप अपनी क्षमताओं को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकते हो, आप अपनी योग्यता से और बहुत सारे योग्य शिक्षक खड़े कर सकते हो, या विभिन्न फील्ड में आप योग्य नौजवानों को सही शिक्षा दे करके आपका ज्ञान उन तक पहुँचा सकते हो। तो ये इंटरनेट से ही सक्षम है, ऑफलाइन नहीं संभव है। सर एक और मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात जानना चाहूँगा, जब आप इंटरनेट के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, आप बाकी जो एजुकेटर हमसे अपील कर रहे हैं कि सबको ऑनलाइन आना चाहिए, तो आप मेरे को आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपने इंटरनेशनल किसी को पढ़ाया हो, कि आप इंडिया में बैठे हैं और आपने किसी अन्य देश में आप किसी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ से आपने अन्य मुद्रा में पैसे कमाए हो, ऐसा कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ तो वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर यूट्यूब की जब बात करते हैं जी, तो ये अन्य मुद्रा से ही पेमेंट आता है जी, डॉलर में पेमेंट आता है तो अच्छा लगता है देख के। दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इंटरनेट की वजह से ही बैठा हूँ। बिल्कुल। और मैं नहीं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स को जानते होंगे जिनके बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं और एजुकेटर्स से कंपनियाँ बन गई, तो ये इंटरनेट से ही संभव है। और अपने यूट्यूब चैनल पे जब हम जाके एनालिटिक्स में पूरा चेक करते हैं तो वहाँ पता लगता है कि कौन कौन सी कंट्री के लोग आपसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी कंट्री के स्टूडेंट्स भी आपसे पढ़ते हैं, देख के अच्छा लगता है। और वन बाय वन की अगर बात करें तो मेरे साथ ये हुआ था, USA से एक छात्र ने, उसको संस्कृत पढ़नी थी, भारतीय मूल का छात्र था और उसकी रुचि थी संस्कृत पढ़ने में, तो मेरे लेक्चर्स थे YouTube पे, उन्होंने सर्च किया तो सहयोग से मेरा वीडियो उनको दिखा, उन्होंने फिर मेरे बहुत सारे वीडियो देखे YouTube पे, फिर उनको लगा कि ये सर मेरे को बहुत अच्छा समझा सकते हैं, फिर उन्होंने वहाँ से नंबर निकाल के मेरे से कांटेक्ट किया, तो फिर मैंने उनको करीब 1 महीने तक पढ़ाया था संस्कृत और बहुत अच्छा लगा उनको, और उनको कुछ समस्याएं थी कहीं कहीं पे, वो खुद पढ़ते थे श्रीमद् भगवद गीता वगैरह, तो फिर उनको जो समस्याएं थी वो मैंने 1 महीने में उनको ट्रेंड कर दिया था जी। तो सर अब आप साथ ही साथ एक और मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो आपसे मैं जानना चाहूँगा, सीकर शहर है, बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे, बहुत सारे मेडिकल स्टोर है, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर है और अलग अलग तरीके के लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अपन देखें तो लगभग ऑफलाइन चीज़ें हो रही है, तो उनकी तरफ से ये सवाल आपके पास, आप इंटरनेट पर इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं, इतना बड़ा आपका परिवार, इतना एक्सपीरियंस आपको है, गुड एक्सपीरियंस आपको है, तो आप
उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपने व्यवसाय को अभी ऑफलाइन ही कर रहे हैं? देखिए, पहला सवाल तो यह है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। भाई जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें यह है कि क्यों नहीं करना चाहिए, जब एक और संभावना है तो करना चाहिए ना, ट्राई तो करना चाहिए, देखना चाहिए। नुकसान क्या है इसके? कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। इसमें यह है कि आप अपनी जो क्षमताएं हैं, जो सिर्फ ऑफलाइन मार्केट की वजह से आपके पास लोग सेवा लेने के लिए आते हैं, जियोग्राफिकल आपकी बाउंड्री बनी हुई थी, हाँ, जहाँ पे आप लोगों को कुछ न कुछ सेवा दे रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवा को पहुँचाऊँ जी। और अगर आप बेहतरीन कर रहे हैं तो उसका लाभ लोगों को लेना भी चाहिए। लेकिन ये संभव कैसे होगा जब आप ऑनलाइन नहीं आएंगे तो? क्योंकि आजकल क्या है, किसी को मान लो आप यहाँ बैठे हैं, आपको ATM चाहिए पैसा निकलवाने के लिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गूगल पे चेक करोगे कि मेरे अगल बगल में कहाँ पे ATM कहाँ पे है। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करोगे तो आपके पास वो ग्राहक कैसे पहुँचेगा जी? तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ समस्या आ सकती है कि मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं ये शुरू तो करना चाहता हूँ लेकिन करूँ कैसे जी? तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ हैं। आप सबसे पहले ये सर्च करो कि मेरे को अपनी शॉप को रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, या मैं ऑनलाइन जाऊँ तो मेरे को सबसे पहले कहाँ संपर्क करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। और बाकी सर डिस्क्रिप्शन में अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं तो सर आप उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल जरूर डालो, ताकि वहां से संपर्क करके और वो सेवा ले पाएं। जरूर 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 सर। तो साथियों, सर ने यहाँ पे बताया कि अगर अपने पास कोई सेवा या अपने पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको आप ऑनलाइन डालिए, गूगल पे आप उसकी लिस्टिंग कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे सर ने भी बताया कि जब लोग सर्च करेंगे कि मेरे को ये सेवा चाहिए, अगर आपने लिस्टिंग ही नहीं करी की तो आपका नाम वहाँ कैसे जाएगा? तो अपन को जरूर इंटरनेट पर आना चाहिए। एक लोकल कहावत है कि मोर नाचा जंगल में, किसने देखा उसको जी? अगर वही यहाँ पे पब्लिक में नाचेगा तो दुनिया उसको देखेगी जी। तो नाचना ही है तो फिर सामने नाचिए, सामने नाचिए। अगर आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, आप मार्केट में बैठे हो तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे चीज़ों को डालो जी, एक एफर्ट लगाओ जी, जी जान से लगाओ। क्या पता आज आप यहाँ हो, उस इंटरनेट की लिंक की वजह से आप कहाँ पर पहुँच सकते हैं जी। सर मैं एक और आपसे बात जानना चाहूँगा, ये जो सवाल है ना वो आपके बच्चों का ही है, जो आपसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का ये सवाल है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आजकल बच्चे सोचते हैं कि यार एस के कटारिया सर अपने को पढ़ा रहे हैं और इंटरनेट पर यूट्यूबर बने हुए हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूबर बन जाएँ और पढ़ाने लग जाएँ, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखो, पढ़ाई छोड़कर यूट्यूबर बनना ये गलत दिशा है जी। जब सब कोई ऑनलाइन आ रहा है तो सबको आना चाहिए। अगर आप में भी कोई ऐसी कला है जो आप यूट्यूब पे दिखाना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आगे आए हैं और वो आगे भी बढ़े हैं, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको एजुकेशन पूरी लेनी है, चाहे आप प्रोफेशनली किसी चीज़ की एजुकेशन ले रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा तो उसको आप छोड़ दीजिए, जिसमें मन लग रहा है उसकी लीजिए, लेकिन एजुकेशन पूरी लीजिए, उसके साथ आप YouTube पे आ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस कैटेगरी का या किसी भी कैटेगरी का कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, भाई YouTube पे जैसे एजुकेशन एक कैटेगरी है, फैशन एक कैटेगरी है, इसके अलावा आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं वो एक कैटेगरी है, तो आप किसी भी कैटेगरी में जा रहे हैं, किसी भी श्रेणी का वीडियो बना रहे हैं, वो बनाने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना है कि आप जैसा ही काम असंख्य लोग और भी कर रहे हैं, तो आपको उनके नीचे दबके नहीं रहना है। अगर आप उनसे आगे जा सकने की क्षमता रखते हैं तो आपको YouTube पे आना है। सिर्फ चैनल शुरू कर देना, पढ़ाई छोड़ देना, ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो यदि आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो आप YouTube पे आइए, नहीं तो एक बार पढ़ाई पूरी कीजिए उसके बाद में आप YouTube पे आइए। YouTube यहीं रहने वाला है, इंटरनेट यहीं रहने वाला है। बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई कि आपके अंदर कुछ यूनिक है तो वो आप लेके आइए। बिल्कुल, जो बेसिक जो अपन एजुकेशन की बात करें वो सबके लिए ज़रूरी है और वो अपन सबको पूरी करनी चाहिए। सर आप बताइए, जैसे आपकी शुरुआत 2018 में हुई, आपने YouTube की शुरुआत 2018 में करी, उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग जो अपन बात करें फेस पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले, जैसे कोरोना की अपन बात करें तो उसके बाद वो फेस देखने को मिले, तो उस दौरान ऑनलाइन का बूम आया, मतलब जो चीज़ें 2025-30 तक होने वाली थी वो उसी दौरान गठित होने लग गई और बहुत बड़ा चेंज अपन को सोसाइटी में, देश में, वर्ल्ड में, दुनिया में देखने
देखने को मिला। तो आप बताइए कि उस दौरान बहुत से ऐसे प्रसिद्ध ब्रांड है जो एजुकेशन में लीड करते हैं, तो आपको कहीं से ऑफर नहीं मिला क्योंकि आपका बहुत बड़ा परिवार था उस दौरान? शायद आप बता रहे थे कि 3.25 लाख की फैमिली आपकी थी और आप अच्छा कर रहे थे, अच्छी ग्रो आप स्टेज में थे, तो उस दौरान किसी प्रसिद्ध ब्रांड से आपको ऑफर नहीं मिला, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए जिससे कि थोड़ा ये जान पाए कि इंटरनेट की पावर क्या होती है। देखिए सर, बिजनेस में रूल ये है कि कहीं भी ग्रो वाली इंडस्ट्री दिखती है कि ये दौड़ रही है तो वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। एजुकेशन इंडस्ट्री जब ऑनलाइन हो रही थी उस टाइम पे बहुत सारे ब्रांड्स बहुत तेज़ गति से आगे आए। अब उनको क्या चाहिए भाई, कोई भी बिजनेसमैन है वो खुद तो पढ़ा नहीं सकता, उनको एजुकेटर्स चाहिए। अब उन्होंने देखा कि ऑफलाइन वाले एजुकेटर हैं वो लाएंगे, उनको समझाएंगे तो समय लगेगा, तो जो ऑनलाइन एजुकेटर हैं वो बढ़िया कौन कर रहा है उनसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि भाई उनको हम अपने साथ लेके आ जाएं, उससे हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपसे संपर्क करेंगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों ने कोशिश की है और करोड़ों रुपए ऑफर भी किए हैं। करोड़ों रुपए ऑफर किए हैं? बिल्कुल किए हैं। तो ये बहुत पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात जब ये ऑफर आया करते थे, आजकल भी आते हैं लेकिन अब हम वो रिस्पॉन्स नहीं करते क्योंकि हमने मिशन लिया है कि हम अपना खुद से ही करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अस्तित्व को ख़त्म नहीं करेंगे जी। तो हम अपने स्काई एजुकेटर को सेपरेटली लेकर चल रहे हैं। एक और सवाल मैं सर से भी जानने वाला हूँ, और मैं नहीं जानने वाला, दरअसल आप ही जानने वाले हैं, क्योंकि जब YouTube की बात आती है, जब 7-8 लाख लोगों का परिवार सर के साथ है और सर अच्छा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप जानना भी चाहेंगे कि सर कितना कमा लेते हैं? सर कमाने की जब बात कर रहे हैं तो मैं इतना बता देता हूँ, सरकारी नौकरी में आप जितना कमाते हो उतनी सैलरी हम कई सारे एजुकेटर्स को देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने गवर्नमेंट जॉब दिया है, ये हमारी सबसे बड़ी अर्निंग है। बाकी जीवन यापन करने के लिए हम सर सरकारी नौकरी से बहुत अच्छा कमा लेते हैं जी। देखो सर ने यहाँ पे एक बात बताई, वैसे हम यहाँ पे किसी चीज़ को फिगर आउट नहीं कर रहे हैं जी। सर ने बताया कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो जॉब की सैलरी है वो सर एजुकेटर्स को पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब सर अर्निंग कर रहे हैं तभी पे कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो सर ने अर्निंग बताई कि इनके माध्यम से कितने बच्चे सफल और कामयाब हुए हैं सरकारी, वो हमारी सबसे बड़ी अर्निंग है, वो सर की सबसे बड़ी अर्निंग है। बिल्कुल। तो यही देखिए सर, हमारी कुछ सोच है वो लोगों से थोड़ी अलग है। मेरे पास ऑफर आए, मैं भी बहुत बड़ा स्टूडियो बहुत बड़ा ऑफिस उस ऑफर से कर सकता था, लेकिन वहाँ पे फिर वो जैसे कंपनी बोलेगी वैसे हमें चलना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे नियम उनके होंगे। तो सर अपनी इतनी सारी बात सुनने के बाद में तो अपने दर्शकों को कहीं ना कहीं मन में विचार आने लग गया होगा कि मैं भी यूट्यूबर बनने जाता हूँ। बिल्कुल। तो अगर सर कोई एजुकेटर या कोई यूट्यूब पे आना चाह रहा है, बिगनर है, कोई शुरुआत करा यूट्यूब पे, तो जी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लोगों के सवाल होते हैं कि यार कुछ पता नहीं है कैसे करें, कहाँ से करें, हमारी मदद कौन करेगा, ऐसी कुछ चीज़ें आती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए यूट्यूब पर आने का सिंपल सा एक फंडा है, यूट्यूब पे एक चैनल बनाओ और अपना जो हुनर है उसको एक बढ़िया सी ऑडियो और वीडियो उसकी बना के और आप YouTube पे अपलोड कर सकते हो, बस इतना सा ही काम है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि इसको सर्च में कैसे लाएं, मेरा चैनल चलेगा या नहीं चलेगा, इसके लिए आपको बहुत सारे लेसन YouTube पे ही मिल जाएंगे जी। हाउ टू क्रिएट ए चैनल, या हिंदी में लिखो चैनल कैसे बनाएं, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वो देखो आराम से, एक कागज़ और पेन लेके बैठो, उसकी स्टेप नोट कर लो जी। भाई मैं संस्कृत बैकग्राउंड का हूँ, मैं टेक का बंदा नहीं हूँ, मैंने 8 लाख लोग इंटरनेट पे किए हैं, किसकी मदद से? मैंने यूट्यूब की मदद से ये किया है, सब कुछ यूट्यूब पे देखा है, फिर उसको मैंने सीखा है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो वैसे ही आप कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को समय नहीं मिलता, ये एक समस्या है पढ़ने के लिए, या फिर उनको झुंझलाहट होती है या इंटरनेट से काम बहुत कम पड़ता है, तो वो भी कर सकते हैं लेकिन उनको थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी, या तो आपके घर में जो बच्चे हैं वो आजकल ऐसे काम कर देते हैं, उनकी आप मदद कर सकते हो, उनकी मदद ले सकते हो। इसके अलावा कुछ एजेंसी होती हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर लेंगे, उनको आप कुछ फीस आपको देनी पड़ेगी, आपका चैनल मैनेज करना, बनाना, आपके वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग, टाइटल, थंबनेल, टैग वगैरह, रैंकिंग, सब कुछ कर देंगे। सर जब आपने ये एक बीड़ा उठा ही लिया है यूट्यूब के माध्यम से, आप राष्ट्र सेवा समाज सेवा के लिए आप उतर चुके हैं, तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर फ्यूचर प्लानिंग में मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि आप अगर सरकारी नौकरी का सपना लेके चल रहे हैं
तो सरकारी नौकरी का सपना आप स्काई एजुकेट के साथ साकार कर सकते हैं, यही हमारा मिशन है, यही हमारा लक्ष्य है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। उसी के साथ मैं सर से एक और बात जानना चाहूँगा कि सर आप हमारे मीटिंग स्टिंग के जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी भाई हैं जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मीटिंग सिटिंग पे हमें भी मौका दिया। जी सर, बहुत और बहुत आपके चैनल को भी मैंने देखा था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीटिंग सिटिंग एक बहुत अच्छा मंच है, अगर आप भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सर के मंच पे आप आ सकते हैं, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सर के मंच पर कुछ ऐसे मीटिंग सिटिंग के दौरान ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिनको देख करके भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, कौन कैसे और कहां तक पहुंच रहा है उसकी सारी जानकारी आपको इस मंच पर मिलेगी। जी बिल्कुल, तो पर्सनली ये एक बहुत अच्छा मंच है जिससे जो ऑडियंस देख रही है उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आज हमारे लिए आपने समय निकाला। तो साथियों इसी के साथ अपन सर से विदा लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें कीमती समय दिया। बिल्कुल सर, मिलते रहेंगे। जी सर, अब अगली मीटिंग करेंगे आपके साथ 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद। बिल्कुल, सर ने कहा कि 1 मिलियन के साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो साथियों ये आपके लिए भी अपन बात करें कि सर की एक, ये मान लीजिए कि एक मैसेज है सर का कि सर का परिवार अभी 7 से 8 लाख लोगों का है, अब अपन इसको एक मिशन के रूप में लें और इस परिवार को अपन 1 मिलियन बनाएं। उस 1 मिलियन के सेलिब्रेशन का वीडियो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। सर से दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार।